बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बेटा, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड एंड टुडे वी विल डू द वर्क ऑफ योर काउंटडाउन बुक 4। फर्स्ट रीड दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज, आमीन। सो बेटा, ओपन पेज नंबर 6। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे क्या है आपके पास? एक्सरसाइज 1A, फिल इन द ब्लैंक्स। इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज। यू हैव बीन गिवन अ नंबर हेयर एंड यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। तो पढ़ लेते हैं यहाँ से। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो 8 की वैल्यू क्या हो गई है? 100,000। लिख लेते हैं इसको। ओके, 800,000। नाउ बी, दिस नंबर इज इक्वल टू, ये आपको क्या दी गई है? एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जितने डिजिट्स होते हैं सबका फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 5200459। ओके, लिख लेते हैं 5200459। और देखें इसको पढ़ेंगे क्या? 5,200,459। और हर 3 डिजिट्स के बाद हमने क्या दिया है? स्पेस दी है। ओके, नाउ नंबर सी, इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है और अगर हमें इंटरनेशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या देना होगा? जी, हमें स्पेस देनी होगी। और कब देनी होगी? आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हर 3 डिजिट्स के बाद गैप देंगे। ओके, देखें यहाँ से हमने लिखा है और हर 3 डिजिट्स के बाद हमने गैप दिया। अभी क्या बन गया? 725,895,213। नंबर डी, द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस। प्रेडिसेसर क्या होता है बेटे? के इससे पहले आने वाला नंबर। अब ये नंबर क्या है? 8,001,001। तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? हम यूनिट में चेंज करते हैं। यूनिट में क्या लिखा हुआ है? 1। 1 से पहले क्या होता है? 0। बस 0 यहाँ लिख देंगे, बाकी नंबर एज इट इज़ रहेगा। सी, ये क्या था? 8,001,001। ये क्या बन गया? 8,001,000। नाउ ई, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज। सक्सेसर क्या होता है? बाद में आने वाला नंबर। ये नंबर क्या लिखा हुआ है बेटे? 2,316,999। अब इसका हमें सक्सेसर बनाना है तो हम क्या करते हैं? यूनिट से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। 9 के आगे क्या होता है? 10। तो 10 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। और 1 यहाँ कैरी हो गया। 9+1 अगेन क्या बन गया? 0। फिर ये 9+1 क्या बन गया? 10। और उसका 1 कैरी गया। 6+1 क्या बन गया? 7। बस आगे जो नंबर है वो हम सेम रहने देंगे। क्लियर हुई बात? हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ का सक्सेसर लिखना होता है तो हम यूनिट में 1+ कर देते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास? यूनिट 9। 9 में 1+ क्या क्या बना? 10। 10 का 0 लिखा, 1 कैरी किया। 9+1 अगेन 10। 0 लिखा, 1 कैरी किया। 9+1 अगेन 10। 0 लिखा, 1 कैरी किया। 6+1 7। बस आगे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। 1, 3, 2। तो ये क्या था? 2,316,999। और इसमें 1 ऐड किया तो क्या बन गया? 2,317,000। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये सम स्टेटमेंट्स यू हैव बीन गिवन एंड यू हैव टू चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद ए। द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस। पहले ये नंबर क्या है? 60 million, राइट? और वो कह रहे हैं कि इससे प्रेडिसेसर, इससे पहले आने वाला नंबर क्या है? 60,999,000। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये तो 60 million है और ये 60,999,000 है। तो ये क्या हो गया है? फॉल्स। क्लियर? नाउ नंबर बी, द सक्सेसर टू दिस नंबर इज दिस। ये नंबर क्या है बेटे? 189,000,000
561,100, और वो कह रहे हैं कि इसका बाद वाला नंबर क्या है, 189,561,200। इन्होंने क्या चेंज कर दिया, इन्होंने तो 100 चेंज कर दिया। हम क्या चेंज करते हैं जब भी हम सक्सेसर में जाते हैं, यूनिट, तो यूनिट तो इन्होंने वही रखा हुआ है, इधर ज़ीरो है इधर भी ज़ीरो है, इन्होंने क्या चेंज कर दिया, 100, तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ओके, नाउ कम टू पार्ट सी। अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज 6 ज़ीरोस ऑन इट राइट। जो 1 मिलियन होता है उसके आगे 6 ज़ीरोस लगे हुए होते हैं। चेक कर लेते हैं अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में। देखिए ये रहा 1 मिलियन, इसके आगे कितने ज़ीरो होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी 6 ज़ीरोस होने चाहिए। वो भी यही कह रहे हैं कि 6 ज़ीरोस होते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नाउ कम टू डी। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की पोजिशन की वैल्यू होती है एक नंबर में, बिल्कुल सही बात है, दिस इज़ ट्रू। नाउ ई इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर इज़ दिस। अच्छा अब हम इसको पहले देख लेते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 6 की वैल्यू क्या है, 600,000, यही लिखी हुई है जनाब, 600,000, बिल्कुल यही लिखी हुई है। अच्छा इसको चेक करने का एक और तरीका है कि 6 के बाद कितने डिजिट लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 के बाद कितने ज़ीरो लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ट्रू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज, ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसका आपको क्या मालूम करना है, प्रेडिसेसर यानी इससे पहले आने वाला नंबर। ये नंबर क्या है, 61,015,999। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले आने वाला नंबर क्या है, क्या कर देंगे इसमें से, 1 माइनस कर देंगे, करके देख लेते हैं रफ में। ये देखिए ये नंबर था हमारे पास, ये नंबर हमने यहाँ रफ में लिख लिया और 1 माइनस कर दिया, 9 माइनस 1, 8, बाकी 9, 9, 5, 1, 1, 6, 61,015,998। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटे, 61,015,998 ये वाला नंबर है हमारे पास, वेरी गुड, इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। नाउ बी इज 80,490,000 इन फिगर इज, नंबर क्या शुरू हो रहा है हमारा, 80 मिलियन। 80 मिलियन का बात क्या मतलब है कि हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, 8 डिजिट्स। तो सबसे पहले तो जो 8 डिजिट है बस उसको रखते हैं, ये हमारे पास 33678, ये हो सकता है 33, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 8 डिजिट ही नहीं है, और ये वाला भी नहीं हो सकता, इसमें भी 8 डिजिट नहीं है, और ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन क्या आ गया, दिस वन, और इसको पढ़ भी लेते हैं, 80,490,000, ठीक है। नाउ सी इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज, सक्सेसर क्या होता है, जो इसके बाद आने वाला नंबर है। ये नंबर क्या है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 54,962,111। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, यहाँ पे यूनिट क्या है, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, बस सिर्फ ये चेंज होगा। देखिए 1 की जगह पर 2 आया हुआ है, ये आया हुआ है 1 की जगह पर 2, ठीक है। बाकी देखें पूरा नंबर सेम है और स्पेस भी इसमें सही दी हुई है, तो ये इसका सक्सेसर है, इसको हम टिक कर देंगे, 54,962,112। ओके, नाउ मूव ऑन टू नंबर डी। दिस नंबर रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज, ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहले हम ये नंबर पढ़ लेते हैं, 8,463,110, ऑल राइट। इसमें कितने, 8 के बाद कितने डिजिट हैं बेटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सबसे पहले तो 8 के बाद कितने ज़ीरो होने चाहिए, 6, पहले हम वो देख लेते हैं, 8 के बाद 6 ज़ीरो हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गया,
यहाँ 8 के बाद 6 ज़ीरो हैं, हो सकता है ये वाला सही हो। यहाँ 8 के बाद 6 ज़ीरो हैं, नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ 8 के बाद 6 ज़ीरो हैं, नो, यहाँ भी नहीं है। तो एक ही नंबर है जिसमें 8 के बाद 6 ज़ीरो आ रहा है, फिर 4 के बाद 5 ज़ीरो, फिर 6 के बाद 3 ज़ीरो, फिर 3 के बाद 6 के बाद 4 ज़ीरोज़, 3 के बाद 3 ज़ीरोज़, 1 के बाद 2 ज़ीरोज़, 1 के बाद 0, ओके, और 0 जो है वो 0 है। तो दिस नंबर इज़ करेक्ट, राइट। नाउ मूव ऑन टू नंबर ई, द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज़, क्या नंबर है ये, 7,843,002। इसका प्रेडिसेसर के इससे पहले नंबर क्या था, यूनिट को देखते हैं, यूनिट में क्या लिखा है, 2, तो 2 से पहले क्या आता है, 1, तो जहाँ पे 1 आ रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कहाँ आ रहा है जी जनाब, इसी पर आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या बन गया ये, 7,843,001, ओके। सो बेटा यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर बुक एंड प्रैक्टिस इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।